जनमंच सत्यनो आवाज 13 महीना में 17 लाख व्यूज मेळवीने दमणनी नंबर वन न्यूज चैनल नु स्थान यथाव राखता दर्शक मित्रों नो खूब खूब आभार माने छे। अमारा समाचारो तमने पसंद आव्या होय अने संतोषकारक जणाय तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, साथे साथे लाइक अने शेयर पण करो। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय अने स्थानिक गुजराती हिंदी अंग्रेजी अखबारों में जाहिरातो आपवा माटे संपर्क करो नीरव भट्ट, मोबाइल नंबर 9228105414। इनजी चेम्बर खारीवाड़ मेन रोड PWD पानी टाकी सामने नानी रमन दमन। दमण शहर अंधार पटमा नानी दमण अने मोटी दमण नो शहरी विस्तार छेल्ला 6 महीना थी अंधार पटमा जोवा मळी रह्यो छे। दमण शहर ना तमाम MDR रोड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर नी स्ट्रीट लाइटो 6 महीना पहला दमण विद्युत विभागे उखाड़ी नाखी शहर ने अंधार पटमा रहेवा मजबूर बनावी दीधुं छे। दमण विद्युत विभागे शहर ना तमाम MDR रोड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर नी जे स्ट्रीट लाइटो उखाड़ी नाखी छे ते दमण जाहिर बांधकाम विभाग ना आदेश अनुसार करवामां आवी होवानी माहिती मळी रही छे। नानी दमण अने मोटी दमण ना शहरी विस्तार ना तमाम मुख्य मार्ग पर थी जाहिर बांधकाम विभागे स्ट्रीट लाइटो ने उखाड़ी नाखवानो आदेश आपवा पाछळनुं कारण छे रस्ता नी पोहळाई भविष्य मां वधारवानी योजना होवाथी आनु अमलीकरण थयु छे। स्ट्रीट लाइटो उखाड़ीने 6 महीनानो समय वीती गयो छे अने शहर अंधारपटमां रहेवा मजबूर बन्यो छे। लोको कायमी अकस्मातो तथा चोरी अने लूटना भयथी पीड़ाई रह्या छे। नानी दमणमां सुरुचि होटल थी लईने बस स्टॉप सुधी, बस स्टॉप थी लईने धोबी तलाव, तीन बत्ती थी मसाल चौक, मसाल चौक थी एरपोर्ट रोड, दरवाड़ा, भीमपोर, तीन बत्ती थी मरवा तरफ जतो रोड, मरवटी देवका अने देवका थी कड़ैया अने कड़ैया थी भीमपोर चार रस्ता अने भीमपोर चार रस्ता थी पातलिया सुधी, एवी ज रीते मोटी दमण मां राजीव गांधी सेतु पसार थता फूटबॉल ग्राउंड अने फूटबॉल ग्राउंड थी ढोलर चार रस्ता सुधी आ तमाम मार्गो रात्रि दरमियान अंधारपटमां रहे छे। जो के उपरोक्त तमाम मार्गोनी पोहळाई वधारवानी योजना प्रशासनना जाहिर बांधकाम विभागनी छे, परंतु आजथी 6 महीना पहेलाथी ज उपरोक्त तमाम मार्गो परथी स्ट्रीट लाइटो उखाड़वानुं कारण समजण बहारनुं छे। जेम जेम मार्गोनी पोहळाई वधारवानी कार्यनी शरूआत थाय जो तेम तेम मार्गो परथी स्ट्रीट लाइटो उखाड़ी होत तो छेल्ला 6 महीनाथी दमणवासीओ अंधारपटमां रहेवा मजबूर बन्या न होत अने भविष्यमां पण नहीं बनी शक्या होत तेवी स्थिति पैदा थई नहीं होत। आमां देखीती रीते दमण जाहिर बांधकाम विभागनुं पूर्व आयोजन नी कामगीरी फेल थई गई छे। आयोजनबद्ध कार्यवाहीमां उदासीनता जणाई रही छे। हवे सामे दिवाळीनो तहेवार आवी रह्यो छे। दिवाळीनो तहेवार एटले रोशनीनो तहेवार अने दमणमां दिवाळीना पर्वमां अंधारपट जोवा मळशे। હવે જો દમણવાસીઓ રોશનીનો તહેવાર એવા દિવાળીમાં જો અંધારપટમાં રહેતા હોય તો આમાં વાહ કોણો અને કોની જવાબદારી? દમણ એક પર્યટક સ્થળ છે અને દિવાળી પર્વમાં સ્કૂલોમાં વેકેશન થશે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો દમણ ખાતે ફરવા આવશે અને દમણ આવીને જોશે કે રોશનીના તહેવારમાં દમણ કાળું નજર આવશે। અંધારપટના કારણે પર્યટકોની સુરક્ષા કેવી રીતે થશે અને છેટીના બનાવવામાં પણ કેવી રીતે અંકુશ આવશે? આમ પણ દર વર્ષે જોવામાં આવે છે કે દિવાળી અને ઉનાળામાં શાળાના વેકેશન દરમિયાન જે પર્યટકો દમણ ખાતે સેલગાએ આવતા હોય છે તેઓને કડવો અનુભવ થતો હોય છે। એવા ભૂતકાળમાં ઘણા બનાવો બની ચૂક્યા છે। હેલો અંકલ, હેલો, મેં આપકો થેન્ક યુ કહેના ચાહતી હું। થેન્ક યુ किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। oh. और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। अच्छा लगता है। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં।
कूलर फ्रिज नी ट्रे फूलदानी नी ट्रे सीमेंट नी खुली टाकीओ कोठी पीप माटलू वगैरह ने दर त्रण दिवसे खाली करी तद्दन सूकू करी नवो पानी भरवो बीमारी ना लक्षणों जणाय तो तात्कालिक आरोग्य केंद्र में सारवार लेवी वधु जानकारी माटे टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करो। सांभळो छो दमण।